मतलब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो दिख रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करो, मतलब थाने के चुनाव में जितने भी हमारे कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं उनको बुला बुला के थाने में बैठा कर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने चार जगह शिकायत करी, हमने लक्ष्मण थाने के एक ही शिकायत करी आपको, हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत करी कि वहाँ पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को जबरदस्ती थाने में बुलाया जा रहा है, बोलो दो घंटे तीन तीन घंटे तुमको परेशान किया जा रहा है कि अगर तुम काम करते दिखे तो हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, झूठा मुकदमा लगा देंगे। चार या पाँच मामले आपराधिक रिपोर्ट सर, ऐसे तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम में बता दूं जो जिनके ऊपर आप कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं होती है, हमने आपको लिखित में दिया, लिखित में मैंने खुद आवेदन दे चुका हूँ। जिले जिला बदल की सूची जो आती है वो सातों के सातों सांसद की और सातों कांग्रेसी हाथ तो नीचे कर लो यार। अरे सर आप मेरा ये कह रहे हैं जिला बदल की कार्रवाई सात लोगों पे हुई है, सारे लोगों भी सब सालेर के और सबके सब कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी का एक भी एक 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 पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, एक एक पर भी नहीं केवल लिस्ट सात की कल सूची जारी हुई है, आपके कलेक्टर ऑफिस से जारी हुई है सात लोगों की, आप चाहे तो मालूम कर ले, हम आपको कोई गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, भास्कर का कर ले फिर हमने आपसे अनुरोध किया था, एसपी से अनुरोध किया था कि सर इसका कभी आपको फिर भी लगे गिरफ्तारी हमें कि ना हम पेश करें, आपने टेररिस्ट को जैसा नहीं पकड़ता है 100 लोग भेज दिए सर, पूरे घर की घेराबंदी कर दी, ऐसा क्या हो गया था सर? अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया था ऐसा? सर मेरा आपसे अनुरोध, गलत बात मत करो रघुवंशी, मेरे रिकॉर्ड में आ रहा गलत बात मत करो, आप भी गलत बात नहीं नहीं कर रहे हार्दिक पुलिस मीडिया को तो हार्दिक बेटा, भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुली, एक घटना घटती है 400 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर मुकदमे दबाव और प्रभाव बनाया गया पूरे एक महीने के अंदर, 8 दिन पहले की घटना है, एक पुलिस का परिवार का साथी दारू पी के आता है, एक गाड़ी में दूसरी गाड़ी एक चौराहे पे ठोकता है, ऐसे में भीड़ इकट्ठी होती है उसको समझाती है ट्रैफिक जाम हो रहा है आप चले जाओ, उनको गाली गलौज करता है, इतने में एक पुलिस विभाग का परिवार का वो जो सिपाही है वो फिर आता है और वो डंडा लेता है और सबको गालियां देता है और कहता है कि मैं टीआई हूँ, किसी को पता नहीं था कि टीआई कौन है, माथे पे नहीं लिखा रहता है, आप सिविल ड्रेस में जाते हैं टीआई को सब पहचानते हैं, उन्होंने कुछ धक्का मुक्की की होगी इसको मैं नज़रअंदाज नहीं, मैं मना नहीं करता, तो उसकी धाराएँ पुलिस ने लगाई, गिरफ्तारी कर ली, गिरफ्तारी होने के और रिलीव भी कर दिया, जमानत भी दे दी 323 की, फिर तीन दिन बाद उन पर 307 लगा दी जाती है, 307 लगा दी जाती है। अब आप ये देखो कि जब हमने इसकी आपत्ति ली तो इन्होंने इसको जांच में डाल दिया, तीन दिन पहले आवेदन आपत्ति है, आज गए पुलिस वाले 100 लोग जैसे आतंकवादी को पकड़ना है, सुबह फोन आया एक बीजेपी के नेता का उनके पिताजी के पास कि आप या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो नहीं तो अंदर होना पड़ेगा, और आज इस तरह की घटना होगी, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, कमलनाथ जी की लोकप्रियता सर चढ़ के जनता उसको समर्थन कर रही है, इनका कृत्य भारतीय जनता पार्टी का कृत्य
लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, वो विधानसभा वार इस तरह के मुकदमे लगा रही है, दबाव और प्रभाव बना रही है। ये पुलिस विभाग निष्पक्ष रहे ये मांगे, प्रशासन निष्पक्ष रहे ये मांगे, सरकार फिर बदलेगी, 10 तारीख को कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी यही प्रशासन रहेंगे, हम इनको डरा और धमका नहीं रहे। सर जब भी संविधान के साथ चलना है अब भी संविधान के साथ चलो, बस ये आग्रह। ऐसी वजह इसलिए रही कि ये एसपी साहब बीजेपी के लोगों के साथ राशन बांटते थे चुनाव के दौरान, वो वीडियो में दे रहा हूँ आपको। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके राशन बांटते हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में जाते हैं, वो वीडियो दे दूंगा, रघुवंशी जी। तो उनको समझाने की कोशिश की मैंने कि आप प्रशासन बदलेगा, ध्यान रखो इस तरह की हरकत मत। कौन से बीजेपी के नेता हैं जो फोन लगा के बोल रहे हैं? यही विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनके अध्यक्ष, उनके ही अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब। ये 50 वीडियो तो आ गए, आपने भी तो वीडियो ऑडियो देखे कि वो कहते हैं मैं तुलसीराम सिलावट के यहाँ बोल रहा हूँ, कहते हैं जा तू तो बिकाऊ है, ये जैसे आते हैं कि नहीं, ये भी है जारी कर देंगे। बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए किसने फोन किया था उनको? यही बीजेपी के विधायक और नेता वीडियो जारी कर रहे हैं।